फंडिंग मामले में मध्य प्रदेश सरकार सख्त है। जबलपुर में प्रदेश के गृह मंत्री का सख्त तेवर देखने को मिला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां एक ओर आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसी से बैर नहीं, लेकिन आतंकी तेरी खैर नहीं। आगे उन्होंने कहा कि हम मजहब के खिलाफ नहीं है, हमारी संस्कृति शुरू से ही वसुदेव कुटुंबकम की रही है। स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं, हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है। ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं। दरअसल टेरर फंडिंग पर एटीएस और एनआईए के छापे चल रहे हैं। एनआईए की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में पीएफआई के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान एनआईए ने इंदौर से पीएफआई के 3 लीडर को पकड़ा है। इस मुद्दे पर भी गृह मंत्री ने जानकारी तो दी, लेकिन साथ ही आतंकियों को चेतावनी भी दी है। इस दौरान कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा कहते हैं, विचित्र दुविधाओं में कांग्रेसी फंसे हुए हैं। 4 साल में अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रहे हैं। जिसके नाम का प्रस्ताव पास हो वो अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, और जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं कांग्रेस उन्हें अध्यक्ष नहीं बना रही। नहीं, पूरी सुरक्षा रहेगी उनकी, जो उनको, वो तो वैसे भी सुरक्षा के अधिकारी हैं केंद्र की गाइडलाइन के तहत। लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि जब वो मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो बताएं कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में उन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ किया था। किसी एक किसान को जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ हुआ वो अपने साथ लेके चलें। उन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीने देने का कहा था। 15 महीने सरकार रही तो 15 × 60,000 रुपये वाला कोई एक नौजवान जिसको 60,000 मिले हों या 4,000 भी मिले हों तो वो 4,000 वाले को भी लेकर अपने साथ चले। और ज़रूरी नहीं हमारे सवाल का जवाब दें, हम चाहते हैं कि वो मीडिया को दिखाए, मीडिया के माध्यम से हम तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झूठ बोलने का लिखित में जो पाप कांग्रेस ने किया है उसके लिए क्षमा मांगे। गृह मंत्री यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है। देश में कांग्रेस के नेता हर राज्य में छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इस दिल के 1,000 टुकड़े हुए, एक इधर गिरा तो एक उधर गिरा। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एमपी की सीमा में आए तो राहुल गांधी ने 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ किया था। किसी एक किसान को साथ लेकर चले जिसका कर्ज 10 दिन में माफ किया हो, उस एक नौजवान को भी लेकर चले जिसे 4,000 रुपए मिले हैं। गृह मंत्री कहते हैं ऐसा नहीं करते तो झूठ बोलने का पाप जो कांग्रेस ने किया है लिखित में माफी मांगने का काम करें। नामांकन फार्म लेने जाएंगे बाद में सब मान जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया है। पर आप ये भी तो सोचो कि एक राष्ट्रीय पार्टी 4 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाए, उस पार्टी की क्या स्थिति रही होगी। आज भी अधिकांश जगह से प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसके नाम का प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हो रहा है वो तैयार नहीं है, जो तैयार है उसको बनाना नहीं है। बड़ी विचित्र दुविधाओं में कांग्रेस फंसी है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये इस दुविधाओं से उभरेगी। ये डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है। बहरहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत तेज हो गई है।